चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाकों में तनातनी होने के बाद भारतीय सेना ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू किया है। लद्दाख के बर्फीले हिस्सों और पहाड़ी इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए भारतीय सेना अब खास वैक्टेरियन कैमल का इस्तेमाल करेगी। वैक्टेरियन दो कुबड़ वाले ऊँटों को कहा जाता है और इन्हें ऊंचे इलाकों और बर्फीली क्षेत्र में काम के लिए उपयुक्त माना जाता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किए जा रहे इन ऊंटों से करीब 170 किलोग्राम भार उठवाया जा सकता है। इस वजन के साथ ये करीब 12 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं। इन वैक्टेरियन कैमल को पूर्वी लद्दाख के 17,000 फीट ऊंचे इलाके में तैनात किया जाना है। कहा जा रहा है कि ये 3 दिनों तक बिना खाना और पानी के रह सकते हैं। वैक्टेरियन कैमल लद्दाख के मुश्किल हालातों में बेहद अनुकूल है। सूत्रों का कहना है कि वैक्टेरियन कैमल दौलत बैग, ओल्डी और डेपसोंग के हिस्सों में तैनात किए जा सकते हैं। इसके लिए जहां पर सेना के जवानों को निर्देश दिए गए हैं, कोशिश है कि लद्दाख के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोलिंग का काम लगातार जारी रखा जाए। ऐसे में वैक्टेरियन कैमल को जहां तैनात करने से पहले जवानों को खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है।